हाय दोस्तों, ये मेरी TVS की जुपिटर है। अभी इसमें एक प्रॉब्लम हो गया है, जो हमारा पेट्रोल का काटा है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं अभी वो दिखाता हूँ आपको, ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली वो। सो फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे गाड़ी में पेट्रोल का इंडिकेशन आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स मेरे फ्यूल का टैंक है वो मैंने अभी पूरा भरा है, इसमें वो फुल है अभी, फिर भी ये यहाँ पे लाइट डिस्प्ले कर रहा है। मेरे कांटे भी आगे नहीं गए, इसका मतलब मेरे कुछ तो भी कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गया है। फ्रेंड्स एक्चुअली इसके 3 रीज़न हो सकते हैं, या फिर एक तो इसका रोटर खराब हुआ है, या फिर इसका जो केबल है वो टूट गया है, या फिर कपलर का कनेक्शन है वो ये डिसकनेक्ट हो गया है। तो अभी हम डायग्नोस करते हैं एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है इसमें। सो हम सभी सबसे पहले कपलर देखेंगे, उसमें ये मेरे गाड़ी का कपलर सबसे ऊपर है। सो हम सबसे पहले उसको ही चेक करेंगे, अगर वो डिसकनेक्ट हुआ होगा तो भी मेरे गाड़ी में जो कांटा है वो बंद हुआ होगा। सो उसके लिए मुझे ये पहले निकालना होगा यहाँ से। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ से निकाल दिया, अभी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो मेरे कपलर है ये यहाँ से निकल के आया है। इसकी वजह से जो मेरा फ्यूल का काटा है वो आगे नहीं बढ़ रहा है और लाइट का इंडिकेशन आ रहा है। तभी ये कपलर यहाँ से निकल के आया, आप देख सकते हैं। सो अभी ये कपलर मैं ज्वाइंट करूँगा और फिर आपको मैं स्पीडोमीटर दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने कपलर उसको ज्वाइंट करके उसके जगह पे रख दिया है, लगा दिया। अभी हम हमारे फ्यूल टैंक का मीटर चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं मेरा यह काटा भी बर अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और मेरे पेट्रोल लाइट का इंडिकेशन भी चला गया है। हर कभी कभी क्या होता है, जो रास्ते में गड्ढे होते हैं उसकी वजह से भी हमारा कपलर निकल आ सकता है। सो ये इसका मेन रीज़न था, जो कि हमारा जो फ्यूल ये काटा है ये अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा था, बंद हुआ था। फ्रेंड्स, हर बार इसके लिए यही रीज़न नहीं हो सकता है, अलग रीज़न भी हो सकते हैं, बट हमको सब चीज़ें डायग्नोस करनी पड़ती है, चेक करना पड़ता है और हम उसके बाद ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है।